काफी दिनों से सिंपल एनर्जी की तरफ से सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर और सिंपल डॉट वन इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया, कुछ भी आता पता नहीं, काफी दिन हो गए। वैसे अपडेट के मामले में हम बात करेंगे तो यहाँ पर सुभाष राजकुमार जी का अभी इंटरव्यू हुआ है और इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें बताई हैं उन्होंने। सबसे पहले बताया कि अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर और जो पोर्टफोलियो है उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बताया था कि उन्होंने उनसे पूछा गया था सवाल कि भाई आप जो है आपका जो सिंपल डॉट वन इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसको आप कब लाने वाले हैं। तो उन्होंने बताया था कि जो हमारा सिंपल डॉट वन इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो बिल्कुल सेम टू सेम आपका सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर ही होने वाला है, मतलब बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन, सारी चीज़ें वही होने वाली है, पर लेकिन उसमें जो है कुछ कटौती कर दी जाएगी, मतलब अफोर्डेबल प्राइस पर आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलेगा। यानी कि और उन्होंने कहा कि कुछ वीक्स में आपको, एक दो वीक्स में उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए सिंपल डॉट वन इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि अफोर्डेबल प्राइस में आने वाला है तो उसके लिए इंतजार करते रहिए। और वहीं पर उन्होंने और अपना पोर्टफोलियो बताया, उन्होंने कहा कि हम अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी लाने वाले हैं और उन्होंने अपने इलेक्ट्रिक कार के बारे में भी कुछ इनोवेशन बताया था कि भाई हम लीक्स के रूप में हम कुछ बता रहे हैं कि भाई उनको अब जो है कार के बारे में भी सोच रहे हैं, पर लेकिन वो अभी कार के बारे में सोच रहे हैं पर लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं कहा है, पर वो इलेक्ट्रिक बाइक पर जो है उन्होंने काम करना अपना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो इलेक्ट्रिक बाइक भी लाने वाले हैं। पर लेकिन यहीं पर आता है सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी को लेकर। डिलीवरी को लेकर उन्होंने बताया था, पहले भी उन्होंने बताया था कि भाई बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था और पिछली वीडियो में मैंने क्लियर भी किया था कि यदि आप सिंपल एनर्जी को सर्च करेंगे सिंपल एनर्जी के नाम से तो वहां पर आपको बहुत सारी वेबसाइट जो है आपको देखने को मिल जाएंगी, पर लेकिन आपको सिंपल एनर्जी की ऑफिशियली वेबसाइट पर ही आपको जाके विजिट करना है और वहां पर जाके पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो देख लेनी है। पर लेकिन आपको जब पेमेंट करने की बात आए तो पेमेंट आप उन्होंने कह दिया कि भाई आप जो है तभी पेमेंट कीजिए या तो आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की टेस्ट राइड ली हो या आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय से मिले हो तभी आप जो है पेमेंट कीजिए, वरना आप पेमेंट न मत कीजिए और वहीं पर आप हमारी थोड़ी सी हेल्प ही कीजिए। और वहीं पर उन्होंने बताया था कि हम अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो सिर्फ बेंगलुरु में ही डिलीवर कर रहे हैं, बैंगलोर के अलावा वो और कहीं पर डिलीवर नहीं कर रहा है। अब फाइनली सुभाष राजकुमार जी ने आज एक इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई अब हम 5 से 6 सिटी जो है और ऐड करने वाले हैं अपनी डिलीवरी में, तो डिलीवरी वो बढ़ाने वाले हैं, पर लेकिन इनकी डिलीवरी कब होगी तो उन्होंने ये अभी तक उन्होंने ये कहा कि भाई हम जो है डिलीवरी जो है फरवरी 2024 में करने वाले हैं, जो 5 से 6 सिटी और ऐड होंगी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो है सिटी जो ऐड कर रहे हैं, 5 से 6 सिटी ऐड कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप जो इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहेंगे इतना लेट दे रहे हैं? तो भाई ये तो पता है भाई जिसके दिल के लिए छू गया है तो वो तो भाई लेगा ही ये इलेक्ट्रिक स्कूटर को। बाकी आप मुझे बताइए कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप जो है 2024 में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को यदि आपके पास में आएगा तो क्या आप लेना पसंद करेंगे, क्योंकि आने वाला है अभी रिवोट एनएक्स 100 आने वाला भी है, प्रेस की भी आने वाला, सबसे ज़्यादा रेंज प्रोवाइड कराने वाले हैं। अगर रेंज के मामले में है तो आप जो है थोड़ा सा डिले और हो सकते हैं, और यदि आपको सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर ही लेना है तो यहाँ पर आप और थोड़ा सा रुक सकते हैं, यानी कि 24 में आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाएगा। पर लेकिन ये इनकी स्ट्रेटेजी जो इतनी धीरे धीरे चल रहे हैं, पर लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है, इतना धीरे नहीं करना चाहिए। पर लेकिन उनसे एक और इंटरव्यू में बात पूछी गई थी कि भाई आपके पास में अभी कितने कस्टमर हैं जो कि प्री बुकिंग इन्होंने कर रखा है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास अभी 1,00,000+ जो है कस्टमर है जिन्होंने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर प्री बुकिंग कर रखा है और वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर कब से आएगा। मेरा ओपिनियन ये है कि भाई आप जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर इन्हें जल्द से जल्द दे देना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत दिन हो गए इंतजार करते हुए, और आप जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थोड़ा बढ़ाइएगा तो डिलीवरी थोड़ी जल्दी हो। पर लेकिन ऐसा भी है कि भाई वो देख रहे हैं कि भाई हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही है, क्योंकि हम बाहर अपने सिटी से बाहर कभी डिलीवर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस बार ये बात भी अब उनको ध्यान रखनी है, क्योंकि भाई सर्विस का ख्याल जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई जब आप डिलीवर कर रहे हो तो उसकी सर्विस जो है ज़रूरी होनी चाहिए। वहीं पर आप ज़्यादा डिले करेंगे तो यहाँ पर आपको ओला का ओला S1 प्रो जेन 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर भी अब शोरूम पर देखने को मिल रहा है, तो यानी कि वो लोग जो है उधर को भी जा सकते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि भाई सेम प्राइस पर आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलते हैं, यानी कि आपको देख सकते हैं, तो सिंपल वन को छोड़कर वो उस पर भी जा सकते हैं। अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी जो है वो जल्दी कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट।